हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लो स्पर्म काउंट, जिसे हम मेडिकल कंडीशन में ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया क्या है। अगर आपका स्पर्म काउंट 15 मिलियन ऑफ स्पर्म पर मिलीमीटर ऑफ सीमन से कम है तो उस कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, कुछ लोगों में प्रॉब्लम आती है कि उनका स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी उनका सीमन स्पर्म फ्री रहता है, स्पर्म नहीं होते हैं उसमें। उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में एजोस्पर्मिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ ओलिगोस्पर्मिया, यानी वो कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। अगर कोई भी पर्सन ड्रग इनटेक करता है, कोकीन का इनटेक करता है, मैरिजुआना का इनटेक करता है, उसकी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। अल्कोहल का इनटेक, टोबैको, स्मोकिंग, इन सब का कंजप्शन आपका स्पर्म प्रोडक्शन को कम कर देता है। अगर आपको अननेसेसरी का बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस है, डिप्रेशन है या एन्जाइटी है, उसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, स्पर्म की क्वालिटी आपकी कम होने लगती है। वहीं पर कुछ मेडिकल ग्राउंड के कॉजेज हैं जो ओलिगोस्पर्मिया कॉज करते हैं। वेरिकोसील इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है। अनडिसेंडेड टेस्टिकल की वजह से, ट्यूमर की वजह से, कोई भी आपको कैंसर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम कर देता है। इजैकुलेशन प्रॉब्लम की वजह से, अगर इजैकुलेशन आपका डिलेड रहता है या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। एंड द नेक्स्ट कॉमन कॉज इज हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है वो आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम कर देता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी की वजह से, कोई भी आपको सर्जरी हुई है, सर्जरी का साइड इफेक्ट की वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो गया है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं मेडिकल ग्राउंड पे, आपके अपने बिहेवियरल ग्राउंड पर, जो आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम कर देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट कम है, यानी ओलिगोस्पर्मिया है, तो उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर मेल बॉडी में स्पर्म काउंट कम है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी का होना काफ़ी कॉमन हो जाता है, यानी इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी बॉडी में, जिसे हम इम्पोटेंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसन्स की, कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन्स हैं जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में अच्छा काम करती हैं मेल्स में, और स्पर्म काउंट को इनक्रीज़ करने में अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर स्ट्रेस की वजह से, एन्जाइटी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम है और इनफर्टिलिटी हो गई है मेल्स में, तो उस केस में आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम लेनी है, जो आपको स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी है वो आपकी क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम आप 30 की पोटेंसी में लीजिएगा, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, दो दो बूंद जीभ के ऊपर लेनी है ये आपको। हम बात करते हैं कि अगर स्पर्म प्रोडक्शन कम है, यानी ओलिगोस्पर्मिया है, साथ में स्पर्म की मोटिलिटी भी कम है, यानी जो स्पर्म आपके मूवमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट स्पर्म आपके बहुत कम हैं, अगर स्पर्म प्रोडक्शन कम है उसके साथ में स्पर्म मोटिलिटी रेट भी कम है, तो उस केस में आपको डैमियाना लेनी है। डैमियाना होम्योपैथिक मेडिसन है, मदर टिंचर के फॉर्म में लीजिएगा, दिन में 1 बार लेना, रात के टाइम पर 15 बूंद 1/4 का पानी में डालकर लेनी है। आपकी स्पर्म प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और जो स्पर्म का मोटिलिटी रेट कम है वो आपका इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, अगर सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी इरेक्शन बहुत स्लो है, बहुत इनसफिशियंट इरेक्शन है, और डिस्चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है, इवन कि कोइटस के बाद भी सीमन का इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज होता रहता है सोते टाइम पर या फिर स्टूल पास करते टाइम पर, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं कि इरेक्शन डिसफंक्शन है आपको, उस कंडीशन में आपको सेलेनियम मेटालिकम लेनी है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, सेलेनियम 30 की पोटेंसी में लीजिएगा, दिन में 2 बार 3-3 बूंद जीभ के ऊपर सुबह और शाम लेना है। जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है वो आपकी क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी और इनफर्टिलिटी भी आपका क्योर हो जाएगा। तो बात करते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया है, यानी स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम है और साथ में जनरल बॉडी वीकनेस है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक लगती है आपको, तो उस केस में न्यूफर ल्यूटियाई लेनी है। न्यूफर ल्यूटियम मदर टिंचर के फॉर्म में लीजिएगा, 10-10 बूंद दिन में 2 बार 1/4 कप पानी में डालकर आपका स्पर्म काउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जो आपको जनरल बॉडी वीकनेस है वो आपकी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी, साथ में स्पर्म की क्वालिटी को इन्हांस करने में भी काम करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।